हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेके एसएसपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है आज निकाला गया है, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में आज हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक एडमिट कार्ड के रिलेटेड एक नोटिस जो है निकाला गया है जेके एसएसपी की तरफ से, और ये उर्दू जो है रिटर्न एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किया जाएगा फॉर दी पोस्ट ऑफ पटवारी, जो कि शेड्यूल किया गया है 31 मार्च 2024 को। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी सी नोटिफिकेशन नंबर 2nd of 2021 के अंदर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, और टोटल इसमें 6 आइटम नंबर हैं, और ये पटवारी की वैकेंसीज हैं। इसका जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो शेड्यूल किया गया है वह 31 मार्च 2024 किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर एडमिट कार्ड का एक नोटिस निकाला गया, और 24 मार्च 2024 से यानी कि कल से आप यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं 5 बजे के बाद। तो जहाँ पर नोटिस निकाला गया है हेल्प डेस्क नंबर जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप जहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टेप बाई जहाँ पे मेंशन किया गया है तो ये आप देख सकते हैं www.jkssp.nic.in पे आप लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे स्टेप बाइज पूरा प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं JKSSP के ई एडमिट कार्ड के लिए। तो ई एडमिट कार्ड के लिए जी आपको ये फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, जहाँ पर पहले आपको JKSSP की वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना, JKSSP की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद उसके बाद आपको होम पेज पे जाना पड़ेगा, और होम पेज पे आपका आएगा ई एडमिट कार्ड, फिर आपको लिंक करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करना पड़ेगा, फिर आपको यूज़र नेम जहाँ पे ईमेल आईडी होगी और पासवर्ड जो होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो ये पूरा प्रोसेस आपको जहाँ पर कम्प्लीट करने के बाद देन आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। ये प्रोसेस पूरा आप जहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हैं। ये थी 2nd of 2021 के अंदर ये नोटिफिकेशन जो बताई गई थी, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप जहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के बारे में जो भी इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर निकाली गई थी। तो जहाँ पे कंप्लीट डेटा आप जहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आप जहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं पटवारी की जो वैकेंसीज निकाली गई थी जी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की थी, जिसमें 11 वैकेंसीज जो है पटवारी की निकाली गई थी। इसके बाद जहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे उसके बाद जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आप देख सकते हैं पटवारी की जहाँ पे 15 वैकेंसीज थी अनंतनाग की, और उसके बाद जहाँ पे और जहाँ पे मैं आपको क्लियरली जहाँ पे बताना चाहूँगा जहाँ पे पटवारी की वैकेंसीज आपको 36 पोस्टें देखने को मिलेगी। तो इसके साथ साथ जहाँ पे पटवारी की पोस्टें जो हैं शोपियाँ की है आपको 17 देखने को मिलेगी, और इस कॉलम के अंदर आपको बांदीपुरा की जहाँ पे 16 पोस्टें देखने को मिलेगी। फिर जहाँ पर बात करेंगे बारामूला की जहाँ पे 47 वैकेंसीज थी, और जहाँ पे बात करें दीज आर दी वैकेंसीज आर मेंशन इन द नोटिफिकेशन नंबर 2nd of 2021। जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ, 31 मार्च को जो इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसके अंदर 41,000 से ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट अपडेट, जहाँ पे JKSSP की तरफ से पटवारी की ये नोटिफिकेशन निकाली गई है, और इसमें कंप्लीट डेटा जहाँ पे बताया गया है 31 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।